दिल्ली से बहुत दूर नासिक में आपके लिए एक ऐसी कंपनी लेके जिसका नाम है प्रकृति ग्रह उद्योग, जो काफ़ी टाइप की जो मशीन से उनमें डील करती है। इस कंपनी के साथ अच्छी बात ये है कि ये बाई बैक एग्रीमेंट के द्वारा भी मशीनें सेल करती है, यानी जो फाइनल प्रोडक्ट होगा आप इन्हें रिटर्न में वापस दे सकते हैं। मैं एक बार जल्दी से कंपनी का आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। आप अंदर आएंगे, ये इनका रिसेप्शन एरिया है, ये आप देख सकते हैं। ये आप देखिए, रिसेप्शन पे मैम बैठी हुई हैं। कोई भी क्वेरी होगी आप मैम अटेंड करेंगी और आपकी सारी क्वेरियों का आंसर देंगे। कंपनी को कई सारे अवार्ड मिले हैं, ये आप देख सकते हैं। आप अंदर आएंगे तो कंपनी के जो ओनर हैं उनका केविन है, आप ये देख सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, कंपनी को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, वो आप वॉल पे देख सकते हैं। ये आप देखिए, कंपनी के ओनर का ये केविन है। मैं जो कंपनी का कॉल सेंटर है, एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ। आपकी कोई भी क्वेरी आ रही होगी, वो आपके सारी क्वेरी के आंसर देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये कंपनी का कॉल सेंटर है। यहाँ गर्ल्स आपकी द्वारा जो भी कॉल की जाती हैं वो अटेंड करती हैं और आपकी जो क्वेरी हैं उनका आंसर देती हैं। तो आप कभी भी इन्हें कॉल कर सकते हैं, आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप इन्हें कॉल करिए। आप अंदर आएंगे तो आप देखेंगे, ये मैनेजर रूम है, ये कंपनी की मैनेजर बैठी हुई हैं। ये कोई भी क्वेरी आती है जो टेलीकॉलिंग स्टाफ सॉल्व नहीं कर पाता, या कोई भी और भी क्वेरी है, या आपके कोई भी और डाउट हैं, तो मैम ये सॉल्व करती हैं। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, मैंने पूरा ओवरव्यू दिखाया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब आप मेरे आगे कंपनी के ओनर देख पा रहे होंगे, तो मैम आपका क्या नाम है, आपकी कंपनी का क्या नाम है? मेरा नाम पूजा कदम है और मेरी कंपनी जो है प्रगति ग्रुप नासिक में। जी, और मैम आपकी कंपनी किस किस टाइप की जो मशीन है उसमें डील करती है? मेरी जो कंपनी है वो 8 से 10 टाइप की मशीन बनाती है। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और उसकी मार्केटिंग भी करती है। मेरी जो कंपनी है वो ISI सर्टिफाइड कंपनी है, इसके 15 से 20 साल में 20 साल से काम करती है। ठीक, और मैम कौन कौन सी मशीनें बनाती है एक बार बता दीजिए, जिससे व्यूअर्स को थोड़ी मिक्स की मशीन, पेन मेकिंग मशीन, यूज एंड थ्रो पेन जी, इसके बाद सुपारी कटिंग मशीन, इस टाइप की मशीन्स हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो मैम आज इस वीडियो में हम किस मशीन पर फोकस करने जा रहे हैं? आज हम आपको कॉटन मिक्स मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं। जी, मैंने सुना है कि आपकी कंपनी बाई बैक भी करती है और वो भी रिटर्न एग्रीमेंट पे। हाँ सर, हमारी जो कंपनी है 500 का जो स्टैम्प रहता है जी, इस तरह से स्टैम्प पेपर पे हम आपको आगे दिखाएंगे भी वीडियो में। मैम बताएं आप किस टाइप की प्रोसेस होती है आपकी? सर, हमारे यहाँ पे कस्टमर जो है वो बायबैक एग्रीमेंट के साथ मशीन ले सकता है। ये उसमें वो खुद भी माल सेल कर सकता है या हमको भी वो बायबैक के साथ दे सकता है। उसमें हम लोग 500 के स्टैम्प पेपर। एक बार मैम आप वो एग्रीमेंट भी दिखा दीजिए। आप ये देख सकते हैं कितने सारे एग्रीमेंट रखे हुए हैं। इस तरह से हम लोग 500 के बॉन्ड के ऊपर एग्रीमेंट करते हैं। ये मराठी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। जो महाराष्ट्र कस्टमर है उनको हम लोग मराठी में देते हैं, और जो आउट ऑफ महाराष्ट्र होते हैं तो उनको हम लोग इंग्लिश में भी एग्रीमेंट करते हैं। तो ये 500 के बॉन्ड के ऊपर इस तरह से ये एग्रीमेंट होता है। ये नोटरी होता है, जब तक एग्रीमेंट नहीं होता है तब तक हम लोग मशीन भी कस्टमर को डिस्पैच नहीं करते। तो उसमें ऐसा रहता है कि हम लोग मशीन जो है वो रेंट पे भी देते हैं। अगर जिसके पास कम पैसा है तो वो रेंट से भी डिपॉजिट रख के भी ले सकता है। उसके बाद अगर किसके पास EMI को किसको लेनी है तो वो EMI पे भी ले सकता है। सर, जैसे मैम ने बताया कि आपकी कंपनी बाई बैक पे भी मशीनें देती है, तो सर उसका क्या प्रोसेस है, मतलब किस टाइप से आप बाई बैक करेंगे, थोड़ा डिटेल में बता दीजिए सर। सर, इसमें ऐसा है, किसी कस्टमर को मतलब हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि जो भी बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार दिलाना, ये हमारा मेन मकसद है। ये नहीं कि सिर्फ मशीन सेल करना। आजकल मार्केट में हर कोई जो मशीन सेल करते हैं वो लोग सिर्फ मशीन बेचने का काम करते हैं जी, जो कि एग्रीमेंट भी नहीं बनाते। लेकिन हमारा ऐसा है कि हम लोगों को सिर्फ रोजगार दिलाने का काम करना है। जो उसके लिए जिस बंदे को मशीन खरीदना है और उनके पास पूरा पैसा नहीं है, तो
कुछ अमाउंट डिपॉजिट भर के, जो कि डिपॉजिट रिफंडेबल रहेगा, वो उस हिसाब से रेंट पे भी मशीन ले सकते हैं, या फिर किसी को रेंट पे नहीं लेना है तो किस्त पे भी ले सकते हैं, यानी ईएमआई पे भी मशीन ले सकते हैं। यदि आपके पास पूरा पैसा है तो आप फुल पेमेंट करके भी ले सकते हैं। तो उस हिसाब से जैसे जैसे मशीन है, उसमें क्या होता है, जो रेंट पे लेते हैं उसका थोड़ा लेबर कम रहता है, ईएमआई पे लेते हैं तो उससे थोड़ा और ज़्यादा रहता है, फुल पेमेंट पे और ज़्यादा लेबर मिलता है। जो इस हिसाब से, तो वो डिपेंड कस्टमर के ऊपर करता है, जिसकी जैसी कैपेसिटी है उस हिसाब से वो ले सकते हैं। और रही बात ये जो फिनिश गुड है, ये अगर कोई बंदा मार्केटिंग करना चाहता है और उसको मार्केट में ज़्यादा प्राइस मिलती है तो वो मार्केट में भी सेल कर सकता है। अगर उनको मार्केटिंग नहीं करनी है तो फिर वो हमें भी दे सकता है, कंपनी को वापस कर सकता है मटेरियल। यानी एग्रीमेंट का मतलब ऐसा नहीं कि आपको, मतलब कंपनी को ही वापस देना, अगर आप मार्केट में अच्छा प्राइस मिल रहा है तो आप मार्केट में सेल कर दीजिए, और आपको लगता है आपको मार्केटिंग नहीं करनी, थोड़ा भागदौड़ कम करनी है, तो आप कंपनी को भी दे सकते हैं। यानी आपकी सिरदर्दी कम हो जाती है मशीन लेने के बाद। तो अब हम मैम से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ एक बार मशीन दिखा दीजिए और उसके जो फीचर्स हैं वो डिटेल में बता दीजिए। दोस्तों अब हम ये मशीन देख पा रहे होंगे, तो मैम इस मशीन के बारे में प्लीज़ बताइए, ये मशीन कहाँ कहाँ काम आ सकती है और कौन कौन इससे बेनिफिट कमा सकता है? ये मशीन हर गांव, कस्बे या शहर में आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए बहुत छोटी सी जगह लगती है जी, जैसे आप देख पा रहे होंगे काफी छोटी मशीन है, ये काम कर सकते हैं जी। तो ये राउंड कॉटन मिक्स की मशीन है, इसमें ऐसे कॉटन मिक्स बनते, जैसा दोस्तों आपको पता है कॉटन मिक्स हर घर में यूज होती हैं, मंदिरों में यूज होती हैं, दुकानों वगैरह पर यूज होती हैं, तो ये ऐसा प्रोडक्ट है जो हर जगह यूज हो सकता है। तो ये रॉन्ग कॉटन मिक्स का मशीन है सर जी, बराबर है। तो इसका एक ऐसा रॉ मटेरियल आता है, अभी इसका जो डेमो है, मेरी जो टीम है वो आपको दिखा रही है। मैम ये कितना प्रोडक्शन कर सकती है अगर घंटे की बात करें तो? सर इसमें ऐसा है कि आप जैसा इसके ऊपर मतलब कितना और आप काम करते हैं, बराबर, कितना आप इसके लिए टाइम निकालते हैं, इसके ऊपर आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी रहेगा। अगर आप 3 से 4 घंटे में अगर 1 kg कॉटन उसमें लगाते हैं तो 1 kg कॉटन प्रोडक्शन निकलेगा। अगर आप 8 घंटे में 2 kg कॉटन ये करते हैं तो उसमें आपका 2 kg प्रोडक्शन निकलेगा। डिपेंड ऑन आपके ऊपर, मतलब आप कितना टाइम देते हैं या कितने घंटे आप काम करते हैं उसके ऊपर आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी। और मान लो मैम कोई ये मशीन लगाता है तो इससे मंथली बात करें या डेली बात करें कितना प्रॉफिट हो सकता है? अगर कोई लेडीज अगर दिन में 6 से 7 घंटा अगर काम करती तो भी वो महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये इजीली कमा सकती। ओके ओके। और मैम इसको चलाने के लिए कोई ऐसा है कि टेक्निकल पर्सन चाहिए या कोई भी घरेलू महिला या चला सकती है? ये जो मशीन है ये घरेलू बिजली पे चलती है, घरेलू ही ये इसके ऊपर सिंगल फेस में ये काम करती है। जितना बिल अगर ये फैन को लगता है वही बिल इसको लगता है, या आप कहीं पे भी रख के कर सकते हैं। इसके लिए कोई पढ़ाने का जरूरत नहीं है, कोई भी आदमी घर का हर कोई सदस्य ये काम कर सकता है। ठीक है, तो मैं अब मैम से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इसका डेमो करके दिखाएं जिससे व्यूअर्स को आसानी हो। देखिए सर ये राउंड कॉटन मिक्स मशीन है जी, घर के लाइट पर भी आप चला सकते हैं, वायर भी घर के लाइट के बोर्ड पे लगा के स्टार्ट बटन ऑन करना है। मशीन का जो है यहाँ पे स्टार्ट बटन दिया जाता है और नीचे स्टॉप बटन दिया जाता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट बटन को स्टार्ट किए बाद ये आपका मशीन अभी चालू स्टार्ट हो गया, यानी चालू हो गया। फिर ये रॉ मटेरियल मिलता है आपको इस प्रकार का, देखिए इसे ऐसा इस तरह से पकड़ना है आपको, यहाँ पे रखे सिर्फ ऐसा रखे, सिर्फ आपको प्रेस करना है, बातें अपने आप तैयार हो जाएगी। मार्केट में भी सेल कर सकते हैं या
आप हमें भी दे सकते जी। और जैसा पहले मैम ने बताया कि आपको बायबैक का जो एग्रीमेंट है वो भी आपको मिलेगा, आप इसके द्वारा भी कंपनी को दे सकते हैं या ओपन मार्केट में ही सेल कर सकते हैं। दोस्तों अब हम सर की कंपनी आ गए हैं और वहाँ से कैसे आगे जो काम होता है वो प्रोसेस होता है वो सर पूरा विस्तार से बताएंगे। तो सर अभी हम आए हैं, हमारी जो कंपनी है प्रगति इंडस्ट्रीज, हमारी जो कंपनी है प्रगति इंडस्ट्रीज, इसमें अब हम आए हैं। तो चलिए दोस्तों मैं दिखा देता हूँ हमारा काम किस तरह से चलता है। ये देखिए, ये जो माल है इसमें सभी वर्कर्स काम करते हैं, जो रॉ मटेरियल भी है और जो रेडी माल है फिनिश गुड वो भी किस तरह से सॉर्टिंग किया जाता है वो सब है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो रेडी माल है इसका ये सॉर्टिंग किया जाता है, जैसे लॉन्ग कॉटन विक्स है, राउंड कॉटन विक्स है, यूज एंड थ्रो पेन है, ये इस तरह से पेन का सॉर्टिंग किया जाता है। इसमें से जो खराब माल है वो अलग किया जाता है और जो अच्छा है उसको अलग किया जाता है, ताकि उसको पैकिंग करके मार्केट में सेल करने के लिए रेडी किया जाता है। देखिए इस तरह से ये देखिए, ये रॉ मटेरियल है, ये जो बैरल है, टिप है, एडप्टर है, ये इस तरह से, ये जो टिप आते हैं, ये एडप्टर आते हैं, ये इस तरह से आते हैं, ये पूरा रॉ मटेरियल है आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा रॉ मटेरियल है, ये देखिए इसमें सब में ये रॉ मटेरियल आता है, ये भी रॉ मटेरियल भी है और इसमें कुछ रेडी माल भी है जो इस तरह से आता है। ये कॉटन का रॉ मटेरियल है, ये रेडी माल जो कस्टमर भेजते हैं वो है, आप देख सकते हैं ऊपर में भी रॉ मटेरियल भी है और रेडी माल भी है। जो स्क्रीन पे जो फ़ोन नंबर आ रहे हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, अधिक से शेयर करिए और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।